This video is sponsored by Pixtoons Animation Studio. देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल। बोले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, सेना के बाद केवल आरएसएस ही भारतीयों की रक्षा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने ऐसा बयान दिया है जो देश भर में एक नई बहस और विवाद की वजह बन सकता है। पूर्व जज केटी थॉमस का कहना है कि आर्मी के बाद केवल आरएसएस ही है जो भारतीयों की रक्षा में सक्षम है। थॉमस की इस बयान की जानकारी भाजपा प्रवक्ता सांबित पात्रा ने अपने ट्वीट से दी। पात्रा ने अपने ट्वीट में थॉमस का हवाला देते हुए कहा कि अगर किसी संस्था को इमरजेंसी के बाद देश को स्वतंत्र कराने का श्रेय दिया जा सकता है तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। कोई पूछता है कि देश के लोग सुरक्षित क्यों हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ संविधान है, लोकतंत्र है, सेना है और किस्मत से आरएसएस है। पात्रा के अनुसार पूर्व जज की ये बात केरल के कोट्टयम में आयोजित आरएसएस के एक ट्रेनिंग कैंप को प्रशिक्षक के रूप में संबोधित करते हुए कही। इसी दौरान थॉमस ने आरएसएस की शान में जमकर कसीदर पढ़े। वो ये कहने से भी नहीं चुके कि देश को आपातकाल के चंगुल से छुड़ाने का श्रेय भी आरएसएस को जाता है। बता दें कि थॉमस साल 1996 में सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त थे। साल 2007 में उनकी न्यायिक सेवाओं से बेहतरीन कार्यों के लिए बदले उन्हें पद्म भूषण सम्मान देकर सम्मानित किया गया। केटी थॉमस उस समय सुर्खियों में आया जब उनकी अध्यक्षता वाली बेंच ने राजीव गांधी हत्याकांड में दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई। धन्यवाद।